हेलो फ्रेंड, सभी को मेरा नमस्कार। सभी से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पपी हैं वो चेविंग ऑफ गम और फिट्स से ग्रसित हैं और इसको जो बीमारी है वो कैनाइन डिस्टम्बर है। फ्रेंड्स, कैनाइन डिस्टम्बर जो वायरस हैं उसके अलग अलग लक्षण होते हैं और सबसे पहला कैनाइन डिस्टम्बर वायरस जब प्रभावित करता है एनिमल को तो सबसे पहले हाई टेम्परेचर मिलेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और बायफेजिक होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। और दूसरा लक्षण जो मिलता है वो चेविंग ऑफ गम, जैसे जबड़ा हिला रहा था, झाग आ रहा था, ये दूसरा लक्षण होता है। और जो तीसरा लक्षण होता है इसमें ट्विचिंग ऑफ मसल, मसल जो होती हैं ट्विच करती हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, मतलब मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता रहता हमेशा। और लास्ट जो है पैरालिटिक अटैक होता है। और ये जो चार प्रकार के सिम्टम्स होते हैं इसमें कुछ फॉर्म ऑकुलर भी होती हैं, क्यूटेनस फॉर्म होती हैं, है ना, अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग इसके सिम्टम्स होते हैं। और ये जो बीमारी है ये गर्मी के सीजन में बहुत देखने को मिल रहे हैं अभी वर्तमान में। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन जो इसका प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इसका वैक्सीनेशन के द्वारा किया जाता है। तो जब भी पपी हो तो उसका वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाए कैनाइन डिस्टम्बर का, तो ये बीमारी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखने की बात है कि इसका प्रिवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सही टाइम पे इलाज किया जाता है तो ये पपी बच जाता है।